देखो इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ मारुति की अपकमिंग कॉम्पैक्ट क्रॉसओवर एसयूवी कार ए-क्रॉस इस कार के बारे में। हालांकि मारुति सुजुकी कंपनी इस कार को ग्लोबल मार्केट में बेच चुकी आ रही है और ये कार टोयोटा के RAV4 का रिबैज वर्जन है। हम सब ने देखा है कि इंडिया में टोयोटा कंपनी मारुति सुजुकी कार को अपनी बैजिंग लगाकर बेच चुकी आ रही है, जैसे कि ग्लांजा हो गई, इसके अलावा अर्बन क्रूजर हो गई। लेकिन ग्लोबल मार्केट में मारुति सुजुकी कंपनी टोयोटा की कारों को अपनी बैजिंग लगाकर बेचती आ रही है काफी लंबे समय से। तो यहाँ पर उनमें से एक कार है ए-क्रॉस, और कुछ रिपोर्ट्स में ये भी मेंशन किया गया है कि बहुत जल्दी मारुति सुजुकी कंपनी अपनी पहली कॉम्पैक्ट क्रॉसओवर एसयूवी कार को इंडियन मार्केट में लॉन्च करने के लिए तैयार है। शायद मारुति सुजुकी कंपनी ए-क्रॉस को इंडियन मार्केट में लॉन्च कर सकती है। अगर मैं इस कार के डायमेंशंस की बात करूं तो इस कार की लेंथ है 4635 mm की, जो कि टाटा हैरियर के मुकाबले 37 mm ज्यादा है। इसके अलावा इसकी विड्थ है 1855 mm की, जो कि टाटा हैरियर के मुकाबले 39 mm कम है। इसके अलावा इसकी हाइट 1690 mm की है, जो कि हैरियर के मुकाबले 16 mm कम है। तो यहाँ पर इस कार की लेंथ टाटा हैरियर के मुकाबले थोड़ी सी ज्यादा है, लेकिन विड्थ और हाइट के मामले में टाटा हैरियर थोड़ी सी आगे निकल जाती है। अगर सेम डायमेंशन के साथ इसको इंडियन मार्केट में लॉन्च किया जाता है तो ये कम्पीट करेगी टाटा हैरियर के साथ, इसके अलावा MG हेक्टर के साथ। वही अगर मैं इसके इंजन स्पेसिफिकेशंस की बात करूं तो ग्लोबल मार्केट में इसके अंदर एक पेट्रोल इंजन, इसके अलावा प्लग इन हाइब्रिड, ये दो इंजन ऑप्शंस दिए जाते हैं। हालांकि इसके अंदर 2.5 लीटर फोर सिलेंडर पेट्रोल इंजन दिया जाता है, जो कि लगभग 173 BHP की पावर आउटपुट प्रोड्यूस कर पाता है। और इसका जो प्लग इन हाइब्रिड वाला मॉडल है जिसके अंदर इलेक्ट्रिक मोटर्स दिया जाता है, वो लगभग 230 BHP की पावर आउटपुट प्रोड्यूस कर पाता है। तो यहाँ पर इंजन स्पेसिफिकेशंस आपके सामने है। वही अगर मैं इसके एक्सटीरियर लुक की बात करूँ तो इसके एक्सटीरियर में बहुत सारे चेंजेस करे गए हैं एज कम्पेयर टू टोयोटा की RAV4। जैसे कि इसका फ्रंट फीशा आपको कम्प्लीटली न्यू देखने को मिल जाएगा। इसके फ्रंट फीशा में नई लाइटिंग सेटअप का इस्तेमाल किया हुआ है। टोयोटा RAV4 के अंदर आपको थोड़ा सा अलग लाइटिंग सेटअप मिलेगा, लेकिन मारुति सुजुकी ए-क्रॉस के अंदर आपको थोड़ा सा अलग लाइटिंग सेटअप मिलने वाला है। इसके अलावा ए-क्रॉस के जो ग्रिल्स है फ्रंट के, वो भी डिफरेंट है एज कम्पेयर टू टोयोटा की RAV4। और इसके ग्रिल्स के ऊपर आपको पियानो ब्लैक की फिनिशिंग भी देखने को मिल जाएगी। और फ्रंट फीशा में काफी चेंजेस करे गए हैं। हालांकि मारुति सुजुकी की ए-क्रॉस साइड से दिखने में काफी हद तक टोयोटा की RAV4 जैसे ही दिखती है साइड से, और रियर फीशा में कोई भी चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेगा। स्क्रीन के ऊपर कुछ इमेजेस या फिर वीडियोस आप देख सकते हैं। मारुति सुजुकी कंपनी ने इसके अंदर डायमंड कट अलॉय व्हील का ऑप्शन दिया हुआ है। इसके अलावा बॉडी कलर के ORVM विद टर्न इंडिकेटर और बॉडी कलर के डोर हैंडल्स भी इसके अंदर दिए जाते हैं, और फंक्शनल रूफ रेल्स का ऑप्शन भी आपको मारुति सुजुकी की इस कार के अंदर देखने को मिल जाएगा। इंटीरियर फीचर्स की बात करो, इंटीरियर में सिर्फ लोगो चेंज है स्टीयरिंग व्हील के ऊपर, बाकी इंटीरियर कॉपी है टोयोटा RAV4 का। मतलब टोयोटा RAV4 का जो इंटीरियर है आपको सेम इंटीरियर मिलने वाला है मारुति सुजुकी की ए-क्रॉस के अंदर। तो यहाँ पर इसके इंटीरियर में भी इतने ज्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेंगे। इसके अंदर बड़ा टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया जाता है। इसके अलावा वायरलेस स्मार्टफोन चार्जिंग का ऑप्शन भी इस कार के अंदर दिया जाता है। बहुत ही प्रीमियम लेदर का इस्तेमाल इसके डैशबोर्ड के ऊपर, सीट के ऊपर, आर्मरेस्ट के ऊपर किया हुआ है, जिसकी मदद से इसके इंटीरियर में एक प्रीमियमनेस आ जाता है। और एम्बिएंट लाइटिंग का ऑप्शन भी मारुति सुजुकी ए-क्रॉस के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। लॉन्चिंग की अगर मैं बात करूं तो मारुति सुजुकी कंपनी इस कार को अगले साल इंडिया में लॉन्च कर सकती है, और इसकी मैन्युफैक्चरिंग अगर इंडिया में की जाती है तो इसकी कीमत 14-15 लाख रुपए से शुरू हो सकती है, या फिर अगर इसको इंडिया में इम्पोर्ट किया जाएगा तो इसकी कीमत थोड़ी सी ज्यादा रहेगी। हालांकि टोयोटा की जो RAV4 है उसको ऑलरेडी स्पाइड किया जा चुका है मल्टीपल टाइम्स, उसको अगले 1-2 महीने के अंदर इंडिया में लॉन्च किया जाएगा और उसको इंडिया में इंपोर्ट किया जाएगा। हालांकि उसकी कीमत थोड़ी सी ज्यादा रहेगी। आपको क्या लगता है इस कार की कीमत कितनी होनी चाहिए, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। ये वीडियो अपने सभी दोस्तों के साथ और परिवार वालों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लेना।